वंदनी संत समाज सज्जनों और देवियों, इस पूरे गीत में आपने सुना मन वाणी और इंद्रियों का संयमन भजन है। ये कबीर साहब का उपदेश है। वेदव्यास मुनि भी कहते हैं रागाद्वैतम हृदय वाग दुष्टा नृतादिवी हिंसाद रहिता काय सेदति ईश्वर पूजनम। राग द्वेष ईर्ष्या इत्यादि का त्याग हो जाए और वाणी से दुष्ट वचन का त्याग हो जाए और इंद्रियों के कुकर्मों का त्याग हो जाए, एतद ईश्वर पूजनम, ये ईश्वर का पूजन है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसासः बुद्धिश्चानाविचेष्टत तामाहु परमां गतिम्। जब पांच ज्ञानेन्द्रिय मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं, इसको परम गति कहते हैं। तथागत बुद्ध की वाणी, महात्मा महावीर की वाणी, गुरु नानक की वाणी और भी जितने संत हैं, फकीर हैं, सब की वाणी आप देखिए। कुरान शरीफ में आया है ऐ मुसलमानों, तुम्हारा दिया हुआ रक्त और मांस ईश्वर तक नहीं पहुंचता, तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती। संत ईसा का वचन मंथन अगर हम करें तो सारे सूक्तियाँ अच्छी उक्तियाँ, सभी संप्रदायों की अच्छी उक्तियाँ यही बताते हैं। एक राम उपासक है, राम राम कहता है और राम की मूर्ति भी पूजता है लेकिन ईमानदार नहीं है, तो दूसरा राम उपासक ही उसे पसंद नहीं करता। लेकिन एक मुसलमान है वो कभी राम नाम नहीं लेता और ईमानदार है, तो उसको राम उपासक भी पसंद करेगा जो सही है और अपने भाई राम उपासक को नहीं पसंद करेगा जो गलत है। एक मुसलमान है नमाज पढ़ता है लेकिन ईमानदार नहीं है, दूसरा मुसलमान उसे पसंद नहीं करेगा। एक हिंदू ईमानदार है जो कभी नमाज नहीं पढ़ता है उसको पसंद करेगा। ये ऐसा तथ्य है कि सदाचार नैतिकता सार्वभौमिक धर्म है, भजन है, सत्यता है। इसका अनुभव हम आप सब करते हैं और इसीलिए मुख में राम बगल में छुरी ये कहावत है, उसमें राम के लिए नहीं है, सबके लिए। राम राम कहता है, कृष्ण कृष्ण कहता है, अल्लाह अल्लाह कहता है, सतनाम सतनाम कहता है, लेकिन स्वयं कायदे से नहीं चलता है, बेमानी बदमाशी पर तैयार रहता है। इसी के लिए कहा गया मुख में राम बगल में छुरी। तो ये राम शब्द कहा गया तो ये राम ही के लिए नहीं है, अल्लाह को ही कहता है, ईमानदार नहीं है, गलत है, उसके लिए भी हुआ लाक्षणिक है। यहाँ पर राम शब्द केवल राम के लिए नहीं है, धर्म के संप्रदाय में जितने भी शब्द कहे जाते और पूजा पाठ होता सब के लिए लाक्षणिक अर्थ है। साधु वेश बनाया आचरण ठीक नहीं, उसके लिए भी ये लागू है, मुख में राम बगल में छुरी। जीवन की निर्मलता प्रसन्नता के लिए उपादान सामग्री है, भात की उपादान सामग्री चावल है, चावल ही उबल करके भात बनता है, आटा ही बदल करके
रोटी बनता है। ऐसे सदाचार ही बदल करके स्थिर प्रसन्नता और शांत बनता है। इसलिए धर्म में विवाद नहीं है, मजहब में विवाद है। और मजहब में भी विवाद नहीं है जो समझदार है, धर्म और संप्रदाय के भेद को समझना चाहिए। लोग कहते हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, ये बहुत गलत भाषण है। धर्म के साथ किसी विशेषण की जरूरत नहीं, धर्म केवल धर्म है। धर्म हिंदू इस्लाम नहीं है। अगर इस्लाम धर्म है तो 1450 वर्षों से धर्म है, उसके पहले धर्म नहीं था। और केवल मुसलमान धार्मिक, बाकी लोग धर्मी नहीं। अगर ईसाइयत धर्म है तो 2000 वर्षों से, उसके पहले क्या था। बौद्ध धर्म है तो 2500 वर्षों से केवल धर्म है, उसके पहले धर्म नहीं था। आवाज भी जो बौद्ध नहीं वो धार्मिक नहीं है। जैन धर्म इसी प्रकार, हिंदू धर्म भी 2500 वर्षों से हिंदू शब्द का प्रचलन है। चारों वेदों में एक जगह कहीं हिंदू शब्द नहीं लिखा है, और समस्त वैदिक साहित्य में हिंदू शब्द नहीं लिखा है। ऋक, यजुर्, साम, अथर्व, इनको वेद कहते हैं। और ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र, इनको वैदिक साहित्य कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कई हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, तांड ब्राह्मण, ऐसे सूत्र ग्रंथ, गृह सूत्र, सौ सूत्र, धर्म सूत्र, आरण्यक, ये विपुल साहित्य है। ये सबको वैदिक साहित्य कहते हैं। इनमें भी कहीं हिंदू शब्द नहीं। फिर महाभारत और रामायण दो महाकाव्य हैं, इनमें कहीं हिंदू शब्द नहीं है। पुराणों में हिंदू शब्द आया। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा, इस देश को हिंद देश, और यहाँ के लोगों को हिंदू। तब से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ, और ये 2500 वर्षों से प्रचलित है। हिंदू एक समाज है, उसके पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र, ये 5 वर्गों में बांटा था। हिंदू शब्द आने से, हिंदू कह देने से सबका बोध हो जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हिंदू शब्द ईरानियों का दिया हुआ स्वीकार लिया। जो लोग नहीं समझते हैं वो कहते ही जाइए, क्योंकि मुसलमानों ने हिंदू शब्द दिया और हिंदू का मतलब कुली। लेकिन जो इतिहास नहीं जानते वो ऐसा कहते हैं। इस्लाम के जन्म के 1000 वर्ष से अधिक पहले हिंदू शब्द आ गया है, और कुली कह करके उपेक्षित भावना से हिंदू शब्द ईरानियों ने नहीं दिया, आदर से दिया। हमारे पूर्वजों ने हिंदू शब्द स्वीकारा, आगे चल करके हिंदू धर्म कहा जाने लगा। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू समाज, मजहब भी नहीं। हिंदू हिंदू को हम संप्रदाय नहीं कह सकते हैं, समाज कह सकते हैं। इस्लाम संप्रदाय है, ईसाइयत संप्रदाय है, जैनत, बौद्धत्व संप्रदाय है, लेकिन हिंदू संप्रदाय नहीं, हिंदू समाज है। संप्रदाय उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति द्वारा चलाया गया हो, एक किताब की मान्यता हो, एक रूढ़ी हो। हिंदू समाज में ऐसा कुछ नहीं। किसी एक को हम हिंदू समाज का अगुआ नहीं कह सकते हैं। हिंदू समाज तो एक सामाजिक स्तर का है, साम्यवादी, समाजवादी दृष्टिकोण। इस्लाम में अगर आप हजरत मोहम्मद को पैगंबर न माने
तो आप दूध के धोए भी हो तो आपका स्वर्ग और मोक्ष नहीं हो। कुरान ईश्वरी किताब न माने तो भी कोई क्षमा नहीं। संत ईसा को ईश्वर का पुत्र न माने तो आप कितने ही पवित्र आचरण के हैं स्वर्ग में प्रवेश न पाएंगे। नई बाइबिल को अगर आप ईश्वर वचन न माने तो आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन हिंदू समाज में कौन ऐसा मुखिया है कि जिसको माने न मानने से हान लाभ होता है? कोई नहीं। राम और कृष्ण भी बहुत पीछे माने गए, वेदों में इनकी कहीं चर्चा नहीं। राम की तो चर्चा ही नहीं है, कृष्ण की चर्चा है, लेकिन एक क्रांतिकारी रूप में। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 96वें सूक्त में 13 से 16 मंत्रों में श्री कृष्ण की चर्चा है, जो इंद्र के विरोधी हैं और क्रांतिकारी सर्वहारा के पक्षधर हैं, गरीबों के पक्षधर हैं, पशुओं के पक्षधर हैं, दयालु। यज्ञ में पशुवध जो होता था उसके विरोधी। कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, ये तो बहुत पीछे से श्री कृष्ण के विषय में परमात्मा की भावना हुई और उसके बहुत पीछे श्री राम के विषय में परमात्मा की भावना हुई। और इतना होने पर भी वह हिंदू समाज के सर्वे सर्वा कोई नहीं बन पाया। वेद के रचयिता अनेक ऋषि हैं, सब ऋषि हमारे पूज्य हैं, लेकिन कोई हमारे धर्म के केंद्र में नहीं है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अनेक ऋषि हैं, ये सब हमारे पूज्य हैं, लेकिन इनको मानने न मानने से कल्याण अकल्याण होता ऐसा कहीं नहीं लिखा है। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि वेद के मंत्र को ईश्वर ने बनाया है, कहीं नहीं लिखा। सब ऋषियों की रचनाएं हैं। वेद मानता है वो स्वर्ग जाएगा, नहीं मानता नरक में जाएगा, कहीं नहीं लिखा है। समाजवादी दृष्टिकोण है हिंदू समाज जिसे आजकल कहते हैं, पहले हिंदू समाज नहीं कहते थे, लेकिन वो परंपरा जिसको हम आर्य परंपरा कह सकते हैं, समाजवादी दृष्टिकोण है। यहाँ पर उपासना का केंद्र आत्मा है, कोई पैगंबर और अवतार नहीं है। इस्लाम और ईसाईयत में पैगंबरवाद मूल में है, कुरान में ही पैगंबरवाद है, बाइबल में ही पैगंबरवाद है, लेकिन वेद में अवतारवाद कहीं नहीं। अवतारवाद पैगंबरवाद यहाँ ही नहीं है, अवतारवाद भी वेद में कहीं नहीं, उपनिषद में नहीं, वैदिक साहित्य में नहीं। कोई हमारी उपासना के केंद्र में एक है ही नहीं, उपासना के केंद्र में आत्मा। इस प्रकार हिंदू समाज का जो उपासनी तत्व है वह आत्मा है। महापुरुष सब श्रद्धेय है, लेकिन कोई एक में बंधने की बात कहीं ऋषि महर्षि ने नहीं कही। इसलिए हिंदू समाज समाजवादी है, साम्यवादी है। इसकी भयंकर त्रुटि हुई वर्ण व्यवस्था को लेकर के गर्हित विचार पेश करना। वर्ण व्यवस्था तो कभी काम का बंटवारा था। वर्ण व्यवस्था के 3 संस्करण हुए हैं। पहला संस्करण है काम का बंटवारा, दूसरा संस्करण है योग्यता के अनुसार काम देना, तीसरा संस्करण है जन्म से ही मान लेना। जन्म से मान लिया गया, यही सब पाप शुरू हुआ। पहले काम का बंटवारा था, कुछ लोग विद्या पढ़ें पढ़ावें, धर्म संस्कार के कार्यक्रम करें करावें, और वह व्यवहारिक काम न करें, दान से अपना गुजर करें, और उनके पास हो तो वो भी दान करें। एक समाज को ब्राह्मण कहा गया, ब्राह्मण विद्या पढ़े और पढ़ावे और यज्ञ करे
वो करावे और उसको दान मिलेगा वो भी दान करे, दान पर ही गुजर करे और समाज की सेवा करे ज्ञान और धर्म के संस्कारों द्वारा। और उसमें कोई तिवारी पाने की जरूरत नहीं, जो वेदव्यास कौन तिवारी थे, धीवरी के बच्चा थे, लेकिन वैसा ब्राह्मण गरिमा में कोई और हुआ। वेदव्यास की पुस्तकों से ब्राह्मण लोग अपना धार्मिक पेशा करते हैं और स्वयं वेदव्यास धीवरी के पुत्र, वेदव्यास के पिता पराशर हैं, लेकिन पराशर स्वयं भंगिन के पुत्र है। सुपाकश्चा पराशरः, श्वान पका करके खाने वाली एक मेहतरानी थी, उसका एक बच्चा था जो पराशर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इतना महान, कीचड़ से कमल निकल आया। पराशर के पिता शक्ति थे, शक्ति के पिता वशिष्ठ थे और वशिष्ठ गणिका से उत्पन्न थे। उतास मैत्रा वरुणो वशिष्ठोर वस्या, ये ऋग्वेद का मंत्र है। मित्र वरुण और उर्वशी से उत्पन्न वशिष्ठ, जात पात कहाँ थी, मनुष्य का मूल्य था। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में ऋषियों की एक लंबी सूची है उनके नामों की, उन नामों के साथ माताओं का नाम है, पिताओं का नहीं। मातृसत्ताक वंश का वह अवशेष है, कभी मातृसत्ताक वंश था, आजकल पितृसत्ताक वंश है। मातृसत्ताक का वंश का अर्थ होता है स्त्रियों की स्वतंत्रता, विवाह नहीं होता था, कोई भी युवती जहाँ उसकी इच्छा होती थी गर्भ धारण करा लेती थी, बच्चा पैदा हो गया, माता ही को जानता था, माता ही मलकिन थी, इसलिए माता के नाम पर पुत्र का नाम चलता था, पिता कुछ पता नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में 50 से अधिक ऋषियों के नाम माताओं के साथ है, पिता का नाम नहीं। तो इस प्रकार मातृसत्ताक वंश कभी था, फिर पितृसत्ताक वंश हुआ, क्योंकि वो ठीक नहीं था। शिक्षा बढ़ती गई और विवाह प्रथा बढ़ी और विवाह प्रथा मजबूत हुई, तब संतान पिता के नाम से प्रसिद्ध होने लगा, माता का नाम छूट गया। तो विवाह होना तो अच्छा हुआ, लेकिन इसमें माता की सत्ता घट गई। अब फलाने बाबू का पुत्र है, जिस माता ने 9 महीने गर्भ में रखा, पैदा किया, मल मूत्र धोया, उसका नाम ही नहीं। किशन बाबू का ये लड़का है, लक्ष्मी देवी का नहीं। तो मातृसत्ताक वंश जाने से पितृसत्ताक वंश आया और ये पुरुष प्रधान हो गया। ये वर्ण व्यवस्था आगे जब जन्म को लेकर के हुआ कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, यही सारा अपराध शुरू हुआ। कलेक्टर का लड़का कलेक्टर होता है, पढ़े लिखे योग्य हो तब हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण है, चाहे निरक्षर हो चाहे सदाचारहीन हो, उसको पूज्य माना गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि समाज द्वारा आलोचना हुई, ये ब्राह्मण कहलाते हो, गलत काम करते, होना चाहिए था। लेकिन तब इस पर ब्राह्मण नामधारियों ने कील पर कील ठोकी और कहा ब्राह्मण चाहे जैसा है वो पवित्र और पूजनीय है, ऐसा भगवान ने विधान बनाया। कोई बात न चलती हो तो भगवान के मुंह में डाल के आप निकाल लीजिए, बस सब मानेंगे। हर मत के संप्रदाय के लोग अपने अपने भगवानों को के मुंह में डाल डाल के निकाला है और कहा देखो ये भगवान का वचन है, नहीं मानोगे नास्तिक हो जाओगे, नरक में जाओगे, भगवान का वचन मानो।
अब भगवान कहने से तो आदमी गाय हो जाता है, को भगवान का विरोध करे नरक में जाए। लेकिन भयंकर षड्यंत्र भगवान का पर्दा लगा करके किया गया, विष्णु जी के मुख से कहलाया गया, घनंतम शपंतम परुषम बदंतम यो ब्राह्मणम ना प्रणमेत यथारहम सा पापकृत ब्रह्म दवाग्निदग्धौ बद्ध्यश्च दंडश्च न चास्मदीय। विष्णु भगवान कहते हैं घनंतम ब्राह्मण मारता हो, शपंतम शाप देता हो, परुषम बदंतम कठोर वचन कहता हो, यो ब्राह्मणम ना प्रणमेत यथारहम जो ऐसे ब्राह्मण का यथा योग्य आदर नहीं करता है, जो ब्राह्मण मारता है शाप देता है गाली देता है ऐसे ब्राह्मण को जो आदर नहीं देता है सा पापकृत ब्रह्म दवाग्नि दग्धौ, वो ब्रह्म दवाग्नि से विदग्ध पापी आदमी बद्धश्च बध करने योग्य, दंडश्च दंड देने योग्य न चास्म दिया। विष्णु भगवान कहते हो मेरा नहीं है। ब्राह्मण गाली दे मारे शाप दे ऐसे ब्राह्मण की भी जो पूजा नहीं करता है विष्णु भगवान कहते उसको मार डालना चाहिए, दंड देना चाहिए, वो मेरा नहीं हो सकता है। अब विष्णु भगवान के मुख से कहलवा दिया गया। लेकिन विष्णु भगवान बुलाए जाए, उनसे पूछा जाए कि महाराज आपने इसे कैसे कहा, या जहाँ हो तहाँ चल करके पूछा जाए। विष्णु भगवान तो अभी भी हो गए, भगवान तो आता जाता नहीं, वो सब समय रहता है। ये सारा षड्यंत्र है, भयंकर षड्यंत्र, मानवता के साथ अपराधी नहीं महापाप है। भला जो सबका पिता होगा वो ऐसा कहेगा कि हमारे 10 लड़के हैं और उसमें 2 लड़के ऐसे हैं कि 8 लड़कों को चाहे गला रेते हैं चाहे उनको नरक में डाल दें तो भी उनकी पूजा करें, नहीं तो फिर हमारा लड़का होना ही, ऐसा कहीं पिता कहेगा? भयंकर पाप धर्म के आड़ में हुआ है, ईश्वर के आड़ में हुआ है, महात्मा और गुरु के आड़ में हुआ, आज भी हो रहा है। ऐसे ऐसे महात्मा और गुरु हैं पूरे षड्यंत्रकारी और पूरे चरित्र भ्रष्ट, एक तरफ भगवान और एक तरफ पापाचार, वो भगवान का पर्दा लगा करके दुष्कर्म करते हैं। वर्ण व्यवस्था के नाम पर मनुष्यों की बुद्धि का और हर प्रकार का शोषण करने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र भरे वचन लिखे गए और ये घुट्टी हिंदू समाज को पिलाई गई, हिंदू समाज को मूड बनाया गया, जिसने हिंदू समाज को नष्ट करके रख दिया। हम जितने हिंदू हैं सब बराबर हैं, कोई छोट बड़ा नहीं, कोई अछूत नहीं, कोई कम ज़्यादा नहीं, अपनी अपनी शक्ति युक्ति के अनुसार जो जितना चले उतना छोटा बड़ा होता है योग्यता से। कोई पढ़ लिख के करेक्टर हो गए एक भाई, एक लड़ाई नहीं कर पाया ऐसा, बुद्धि उतनी नहीं, वो चपरासी है, तो ये छोटा बड़ा हो गया। लेकिन मौलिक रूप में दोनों बराबर हैं, दोनों मनुष्य हैं, दोनों का सत्कार होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था ने भयंकर पाप किया, मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया और उसमें सब जगह जालसाजी। भगवत वचन है, मैंने एक दिन कहा था विष्णु सर्वव्यापक होता है, विष धातु से विष्णु शब्द बनता है और विष का अर्थ है प्रवेश करना। विश्वव्यापी नियम सब जगह प्रविष्ट है, वही विश्व है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। जो आपने प्रतीक बनाया चार हाथ वाला विश्व, वो प्रतीक है। जैसे भारत माता के नाम पर आपने एक स्त्री का प्रतीक बना लिया, तो कागज में जो स्त्री है या मूर्ति में उसकी पूजा भारत की राष्ट्रीयता नहीं, वो तो कर्मकांड है।
जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बंगाल से पंजाब तक फैला भारत है, इसके प्रति सेवा, राष्ट्रीय सेवा, वो जो भारत माता का चित्र है उसकी पूजा सेवा नहीं तो प्रतीक, तैसे चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति या चित्र कहीं हो उसकी पूजा विष्णु की पूजा नहीं। ये व्यापक विश्व में जो नियम है उस नियम को समझ करके पवित्र आचरण से चलना विष्णु की पूजा है। इसलिए कोई व्यक्ति ईश्वर नहीं है जो ब्राह्मणों के साथ में मिल करके दलाली करे और ब्राह्मणों के पेट पूजा और चरण पूजा के लिए वो झूठ बोले, ऐसा विष्णु या ऐसा परमात्मा कोई नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा किया गया और करके जो इतना समाजवादी हिंदू समाज उसको नष्ट कर दिया गया। परछाई पड़ने मात्र से, शूद्र की परछाई पड़ जाए तो कपड़े के सहित नहाना चाहिए। एक पुराण में लिखा, मैंने बचपन में पढ़ा, कि एक ब्राह्मण ने शूद्र से बात कर लिया तो सभी ब्राह्मणों ने उसको आजाद कर दिया, टाट के बाहर कर दिया, तो पृथ्वी के समस्त तीर्थों में घूम के आया तब उसको ब्राह्मण माना गया। यानी शूद्र से बात कर लेने मात्र से उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। ऐसा ऐसा षड्यंत्रकारी वचन लिखे गए। आज सारी पूर्व पट्टी खुल गई है, पंडितों ने लिखा कि शूद्र पढ़ने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि पढ़ लिख लेंगे तो शास्त्रों को जान जाएंगे तो हमारी पूर्व पट्टी खुल जाएगी। अब आज सब पूर्व पट्टी खुल गई है। अब आज जिनको आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं उनके चित्त में भयंकर विद्रोह है और तो यही चाहते हैं कि सवर्ण भारत में न रहे। इन सवर्णों ने भारत को नष्ट किया, सवर्ण भारत से चले जाए। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि गैर हिंदू भारत में न रहे, ये दोनों सन की बात है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब भारत में रहें, सवर्ण अवर्ण सब भारत में रहें, ये सब भूल जाए। हिंदू मुसलमान और सवर्ण अवर्ण सब मनुष्य हैं, सब भाई भाई हैं, सबके साथ प्रेम होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। सब भूतेश भूतेश विचित्र धीरा, विवेकवान पुरुष सभी के अंदर में अपना ही सजाति जानकर सबसे प्रेम का बर्ताव करता है। घाव काहि पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो। साहब कहते किसको चोट पहुंचाओगे, जहां देखता हूं हमारा प्राण प्यारा है। मानवीय सद्गुणों का विकास मैं कह रहा था, हिंदू समाज समाजवादी है, साम्यवादी है, इतना उदार विचार पूरी दुनिया में कहीं नहीं। यहाँ आप तर्क कीजिए, खंडन कीजिए, मंडन कीजिए, कोई हर्ज नहीं। बहुत ज़्यादा होगा थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाएगी बस, फिर आपस में प्रेम से रहें। खूब तर्क चिंतन मनन का आदर है। छह शास्त्रों को आप पढ़िए, खूब तर्क है और प्रेम से एक साथ रहने की आदत है। इतनी उदारता हिंदू समाज में है, लेकिन वर्ण व्यवस्था को लेकर के जैसा कंजूस हिंदू समाज बना दुनिया में कोई समाज नहीं। मुसलमानों में है, कौन भैया मुसलमान है, ठीक है, बस एक साथ बैठ करके रोटी खा रहे हैं। हिंदू हो कौन हिंदू हो, ब्राह्मण कौन ब्राह्मण हो, तीन हो कि तेरह हो कि सर्वरिया हो कि सवालखी हो, पंक्ति पावन हो कि पंक्ति दूषित हो, त्यौहारी है तो पाणी छुआ नहीं खाएंगे, पाणे हैं तो शुक्ल का छुआ नहीं खाएंगे। अब तो सब खाने लगे हैं, लेकिन वो दूसरे ढंग से नेता लोग जातवादी भावना उठा रहे हैं अपने वोट के लिए। ये भी ध्यान दीजिए, राजनीति से मैं दूर से भी संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन इतना तो जरूर निवेदन कर देता हूँ कि जाति और संप्रदाय का नाम लेके कोई आपसे वोट मांगने आवे तो उसको डंडा लेके खदेड़िए। शुद्ध मानवता को लेकर के, मानव मात्र की सेवा लेकर के वोट मांगने आवे उसको वोट दीजिए। जाति भावना भड़काने वाला,
सांप्रदायिक भावना भड़काने वाला, राम का भगत बनने वाला, अल्लाह का भगत बनने वाला बड़ा खतरनाक राजनेता होता है। ये न राम के भक्त हैं, न अल्लाह के भक्त हैं, ये कुर्सी के भक्त हैं, आपको धोखा देने वाले। ये न ब्राह्मण के भक्त हैं, न शेड्यूल कास्ट के भक्त हैं, ये कुर्सी के भक्त हैं। सवर्ण अवर्ण को लड़ा देंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड को लड़ा देंगे, हिंदू गैर हिंदू को लड़ा देंगे, भावनाओं का शोषण करेंगे, अब आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। इन नेताओं को धर्म से तो कुछ भी मतलब नहीं, कुर्सी से मतलब है। अब आजकल के नेता में कुटिलता होती है, लेकिन जिस हद दर्जे तक आज कुटिलता पहुंच गई है, हत्या करवाना, सामूहिक दाह करवाना, और पब्लिक का या सरकार का धन फूंकना, लूटना, अगर 2-4 हजार पब्लिक का बध हो जाए और 10-20 करोड़ अरब खरब पब्लिक या सरकार की संपत्ति का नाश हो जाए तो क्या फर्क पड़ता अगर उनको कुर्सी मिल गई तो? कुर्सी मिली तो माले माले उनके कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए राजनेता जो राम रहीम कह करके भड़काते हैं, हिंदू मुसलमान कह के भड़काते हैं, सवर्ण अवर्ण कह करके भड़काते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड कह करके भड़काते हैं, इनसे सावधान रहिए। मनुष्य की जरूरत है हमें, मनुष्य मात्र के साथ प्रेम करना हमारा कर्तव्य है। मनुष्य मात्र से प्रेम करना राष्ट्रीय भावना है, और तभी हम इस समाज को जगा सकते हैं और समाज की सही सेवा कर सकते हैं। तो धर्म मानव धर्म है, संयम और शील ये धर्म के तत्व हैं। अपने लिए संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव धर्म है। अपने पर कंट्रोल करो और दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करो, ये धर्म है। फिर आप राम को, रहीम को, सतनाम को कुछ पूजो, कैसा करो, आपका विचार है। इसमें हठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जो पैदा होता है वहाँ के संस्कार उसको ग्रहण होते हैं, उसके अनुसार कुछ सांप्रदायिक उसका पूजा पाठ होता है, कुछ नाम जप होता है, कुछ मंत्र जप होता है, कोई हर्ज नहीं। अपने संप्रदाय के अनुसार आप पूजा पाठ करें और दूसरे के संप्रदायों के नियमों को आदर दें। आप पूजा करते पूजा कीजिए, लेकिन आपका भाई कोई आया वो नमाज पढ़ना चाहता है तो अपने घर में जगह दीजिए, नमाज पढ़ ले। आप राम की उपासना करते हैं, कृष्ण उपासक भाई आ गया, उसको कृष्ण उपासना करने के लिए सुविधा दीजिए। दूसरे की उपासना पद्धति को आदर दीजिए और अपनी उपासना पद्धति का अनुसरण कीजिए। ये उपासना पद्धतियों में अंतर रहेगा, संप्रदायों में अंतर रहेगा, मजहबों में अंतर रहेगा, मान्यताओं में अंतर रहेगा, पहले रहा है, आज है, आगे भी रहेगा। इन अंतरों को लेकर के शुद्ध मानवता में फर्क नहीं मानना चाहिए। जो शुद्ध मानवता है, शुद्ध धर्म है, वो बाहरी अंतर को लेकर के इसमें कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए समता का बर्ताव सबसे कीजिए, असहिष्णु न बनिए। जैसे हिंदू समाज विचारों में उदार है, वैसे व्यवहार में उदार बने। विचारों में उदार है, यहाँ पर ये कटाकटी नहीं है कि आप निर्गुण मानते हैं, सगुण मानते हैं तो लड़ें और तलवार उठावें, ये नहीं है। एक ही घर में कोई सगुण मानता, कोई निर्गुण मानता, कोई अर्ज नहीं। लेकिन ये अभी भी गंदगी है कि बस भैया कौन जात के हो, कौन कास्ट के हो। कास्ट जान करके तब आपकी इज्जत करेंगे, नहीं तो इज्जत नहीं करेंगे। एक ट्रेन में एक सज्जन जा रहे थे, अफसर थे, पत्नी सहित थे, अगले आदमी भी बैठे थे, वो भी अफसर थे, पत्नी सहित। दूर तक बात होती गई तो उनकी जो सामने की महिला थी, दूसरी महिला से पूछी, अच्छा आपका कास्ट क्या है?
और बेचारी सकते में पड़ गई। अपने पति का मुख उसने देखा, पति ने तुरंत कह दिया मैं भंगी भंगी हूँ। मैतर थे, पढ़े लिखे थे, योग्य थे, अफसर थे, लेकिन उनका मैं भंगी हूँ। अगला आदमी चुप हो गया, वो महिला चुप हो गई, दोनों प्राणी चुप हो गए। पूरी यात्रा फिर बात ही नहीं हुई, मानो सांप छू गया। क्योंकि वो मैतर गर्मी जन्मे है, मैतर टट्टी साफ करता है। किसके मुख में 32 दांत है जो कहे मैं टट्टी साफ नहीं करता हूं? कोई कह सकता है? मैं तो नहीं कह सकता। मुझे तो रोज का अनुभव है, जब उठता हूं सुबह तो पहले टट्टी ही साफ करता हूं। पेट में टट्टी सबके भरी है। जो अपने को बहुत पुनीत मानते हैं उनके पेट में सोना चांदी भरी है। इतनी अकल जिसको न हो वो ज्ञानी है। पूरा शरीर टट्टी मांस का पुंज है। इतनी अकल जिसको न हो कौन सा ज्ञानी है? कौन सा समाज का अगुआ है? उस समाज को डुबाएगा कि रखेगा? इसीलिए हिंदू समाज को डुबाया गया जातिवादी भावना करके। और आज शेड्यूल कास्ट के चिंतकों के मन में बड़ी पीड़ा है और उनका दल सर्वाधिक है और उनके लेखक बहुत विदग्धात्मक भी लिखते हैं प्रतिक्रिया में। उनको ये प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, उदार बनना चाहिए। क्योंकि कानून बन गया है मानव मात्र के लिए समान। छुआछूत के लिए भी कानून बन गया, कोई अछूत कहे तो दंडित हो। अब इतना काफ़ी है। धीरे धीरे लोग समझेंगे, गंदगी निकलेगी, सुधरेगा। पुराने पके बाल वालों में ज़्यादा है, काले बाल वालों में कम हो गया है। धीरे धीरे दो चार पीढ़ी में और कम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो उनको भी कटुता पर नहीं उतरना चाहिए। लेकिन आप और हम सोचें कि हम मेहतर घर में जन्मे होते, चमार कहे जाने वाले घर में जन्मे होते, अब अकल होती तो हम क्या चाहते? वैसे तो अकल ही को मार दिया गया था। ये कह दिया गया था तुम नीच घर में जन्मे हो, नीच हो, पीछे बैठो, भगवान ने ही तुम्हें ऐसा बनाया है। तो आदमी अपने आप को समझता था कि मैं तो नीच हूँ, बाबा का दोष नहीं है, पंडित जी का दोष नहीं, मैं तो नीच घर में जन्मा। तो पीछे जाके बेचारा स्वयं बैठता था, उसको इधर लाओ, नहीं भैया हम तो नीच घर में जन्मे हैं। ऐसा उसकी बुद्धि को मार दिया गया था कि सोच ही न सके। ये पाप किया गया था। लेकिन अब सब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं, हमारे साथ भयंकर षड्यंत्र हुआ है। तो अब धीरे धीरे बदल रहा है। जो श्रवण कहलाने वाले हैं वे ज़्यादा ध्यान दें, वे अपने दिल की गंदगी दूर करें, किसी से जाते न पूछें। खान पान का व्यवहार करना हो तो पवित्रता देखें, अगर पवित्रता नहीं है तो न खाएं। पवित्रता है, खाने पीने में कोई अड़चन नहीं। ब्राह्मण नामधारी है, मांस खाता है, शराब पीता है, तो एक सदाचारी आदमी उसके हाथ को कैसे खाएगा? लेकिन मुसलमान है, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, सदाचार से, तो उसके हाथ का खाना क्या बुरा है? एक साधु मेरे पास था, 20 वर्षों तक मुस्लिम लड़का, वो रोटी बनाता था, हम खाते थे खुले रूप में, निर्भय। ईसाई लड़का भी हमारे पास था कई वर्ष, वो भी साधु रूप में था, वो भी रोटी बनाता था, मैं खाता था। इसलिए मुझे आप समझ लीजिए मैं आजाद हो गया हूँ। आप लोग न मानना चाहो तो मुझे फिर न बुलाना, कोई डर नहीं है। मैं अयोध्या के पास ब्राह्मणों में कह दिया, तब ब्राह्मण लोग भी उसका बनाया खाने लगे कि आप ठीक कहते हैं। सब ब्राह्मण दोषी नहीं है, विचारवान ब्राह्मण कितने हैं जे सब पाखंड के तोड़ने के लिए अभियान चलाने वाले हैं, सब दोषी नहीं। समाजवादी दृष्टिकोण विचार को लेकर के हिंदू समाज का है, लेकिन व्यवहार में हिंदू समाज बहुत कमजोर रहा। क्योंकि ऐसी घुट्टी पिला दी गई थी,
ये छूत है। और एक ही जगह थोड़े कायस्थों में कैटेगरियाँ हैं, बनियों में है, जाटों में है, जादुओं में है, सब में है, ब्राह्मणों में है। इतना बांटा गया कि मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया गया। और वेद के ऋषि क्या कहते हैं, मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो, मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो, हिंदू बनो कहीं नहीं कहा। आजकल कहते गर्व से कहो हम हिंदू, तो कोई गर्व से कहेगा हम सिख, गर्व से कहेगा हम जैन है बौद्ध है, गर्व से कहेगा हम मुसलमान है। गर्व से गर्व बढ़ता है। विनम्रता से कहो हम मनुष्य हैं और मनुष्य की सेवा के लिए प्रस्तुत है। गर्म न बनो, ठंड बनो, प्रेम का पाठ पढ़ाओ, मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म। प्रेम की आवश्यकता है हमारे जीवन में, समता की आवश्यकता है। धर्म है शील और संयम, हिंदू धर्म नहीं, जैन बौद्ध धर्म नहीं, ईसाई यहूदी धर्म नहीं, इस्लाम धर्म नहीं है, हिंदू समाज है, बाकी संप्रदाय है। हिंदू में बहुत संप्रदाय है, लेकिन हिंदू खुद संप्रदाय नहीं। तो संप्रदाय और समाज ये सब हैं, धर्म तो एक ही केवल है और वो सनातन है, नित्य। एक सनातन का अर्थ होता है जो रामकृष्ण को अवतार माने, गंगा जमुना नदियों को पवित्र माने, गौरी गणेश की पूजा करे, एकादशी व्रत रहे, वो सनातन धर्म ही है। ये सनातन धर्म की परिभाषा अपने ढंग से है, लेकिन जो सही सनातन धर्म है वह है शील, संयम, सदाचार, क्षमा, गम, संतोष। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म उसे कहते हैं जो विश्वव्यापी हो, जो देश और काल की सीमा को लांघ करके हो, किसी देश में हो किसी देश में न हो, किसी काल में हो किसी काल में न हो, सनातन धर्म नहीं। सनातन कहते हैं नित्य को, नित्य धर्म सनातन धर्म है। और नित्य धर्म है शील, संयम। हम किसी लोक में पहुंच जाएं, ये पृथ्वी लोक है, चंद्रलोक में मनुष्य और प्राणी नहीं है, कहते मंगल ग्रह में भी नहीं है। मानो हम किसी लोक में पहुंच जाएं, वहां पर मनुष्य हों, सुसंस्कृत हों, वहां भी धर्म होगा, लेकिन यहाँ का मजहब नहीं होगा, वहां वेद का पता नहीं होगा, कुरान बाइबल का पता नहीं होगा, राम कृष्ण कबीर बुद्ध नानक का पता नहीं होगा। वहाँ अपने ढंग से कुछ होगा, वहाँ के महापुरुष होंगे, वहाँ के शास्त्र होंगे, वहाँ के अपने नियम होंगे, लेकिन शील संयम की आवश्यकता वहाँ भी होगी। जब जानदार आदमी हैं तो जरूरी है शील रखना, आपको शील चाहिए। अन्य लोग आपके साथ शील का बर्ताव करें, करुणा और प्रेम का बर्ताव करें आप चाहेंगे, तो आपसे दूसरे लोग भी ये अपेक्षा करेंगे। स्वयं आप अपने मन इंद्रियों को संयमित करेंगे तो सुखी होंगे, मन इंद्रियों को संयमित नहीं करेंगे तो सुखी नहीं होंगे। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, ये एक वाक्य में काफी है। स्वयं पर संयम और दूसरे के लिए शील, ये धर्म है। आप कहेंगे ये तो धर्म का बहुत साधारण रूप है, धर्म का गूढ़ तत्व बताइए। धर्म के गूढ़ तत्व को बाल में खाल काढ़ करके खूब बताया जा सकता है, लेकिन इसके बिना सब धर्म निरर्थक। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील अगर आ जाए तो कौन कमी है फिर। जिसका मन वाणी और कर्म बस में है और जो दूसरे के साथ प्रेम और करुणा का बर्ताव करता है, क्या बाकी रह गया। ऐसी के बिना सब रोना है। बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं, बड़े बड़े गुरु के भक्त हैं और बड़े बड़े शास्त्रों के भक्त हैं, एक ईमानदार नहीं है, क्रूर हैं, छली कपटी हैं, तो क्या मतलब होता है।
दो तपस्वी तपस्या कर रहे थे, तपस्याएं पूरी हुई, ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा कि आप लोग आशीर्वाद मांगिए, वर जो मांगना हो मांगिए, नियम है कि एक ही मांग सकता है, दो नहीं, जो मांगेगा उसको उतना मिलेगा, साथी को दुगना मिलेगा। अब कौन मांगे जो घाटे में रहे, दोनों मौन। देर हो गई, ब्रह्मा जी कहे मैं चल रहा हूँ, मांगना हो मांगो। एक ने कहा महाराज आप खुश हैं तो मेरी एक आंख फूट जाए, तो उसकी एक फूट गई, साथी की दोनों फूट गई। वो सोचा मैं एक राज मांगू तो साथी को दो राज मिलेंगे, सहा नहीं जाएगा, तो क्यों ना मैं अपना एक आंख फोड़ा लूं तो एक आंख से काम चला लूंगा, साथी दोनों आंख से मालूम हो जाएगा। ये तपस्वी की लीला है कि अपनी एक आंख फोड़ा करके साथी की दोनों आंखें फोड़ा देना चाहते हैं। तो धर्म का तो लंबा लंबा व्याख्यान खूब हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होता है कि हम संयम से रहें और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करें। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को डाउन करना चाहेगा, एक फैक्ट्री वाला दूसरे फैक्ट्री को, एक मंथ दूसरे मंथ को, एक ही जगह रोग नहीं है, हर जगह, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, जहाँ जहाँ लोभ काम क्रोध बढ़ेगा वहाँ वहाँ कुकर्म बढ़ेगा। आप समय समय से अखबारों में पढ़ते हैं फलाने स्वामी जी यहाँ तलाशी हुई और इतने गंदे साहित्य निकले, इतने लड़कियों के साथ दुराचार स्वामी जी ने किया था, पर्दाफाश हुआ, इतना ऐसा हुआ उतना ऐसा हुआ, अस्त्र शस्त्र निकले, क्या क्या निकला। तो गृहस्थ विरक्त सही सही अर्थ में दोनों सही हैं, और जो गलत जहाँ करेगा वही गलत हो जाएगा। इसलिए नियम सब पर लागू है, संयम और शील, ये दोनों के बिना सब धर्म की व्याख्या बेकार है। पानी की शीतलता पानी का धर्म है, आग की गर्मी आग का धर्म है, आत्मा की चेतना और ज्ञान उसका धर्म है, ज्ञान के अनुसार जीवन बनाना धार्मिक होना है। ज्ञान हमारा क्या कहता है, सुई चुभ जाए कांटा चुभ जाए हमें दर्द होता है, इसलिए किसी को दुखाओ मत। भटके हों भूले हों भूखे हों प्यासे हों हमें कोई रास्ता बता दे, भोजन जल दे दे, हमें बड़ा सुख लगे। ये काम हमें दूसरे के साथ यथा योग्य करना चाहिए, यही धर्म है। फिर आप राम रहीम कहो न कहो आपका विचार है, आपका जैसा मन है, कोई नाम जपो कोई मंत्र जपो, ये तो देश काल के अनुसार सब बदलता रहता है। पहले राम नाम जप कहाँ था, कृष्ण नाम जप कहाँ था, वेदों को पढ़ो ये सब कहाँ था, आज ये है, आगे और बदलेगा, भिन्न देश में और है, बौद्धों में बुद्धम शरणम गच्छाम संगम शरणम गच्छाम, दक्षिणी भारत में गया तो हर जगह शिव जी की महिमा। एक दुभाषिया ने कहा महाराज यहाँ महादेव फैमिली की महत्ता है। हमने कहा भाई महादेव विष्णु में मैं फर्क नहीं मानता हूँ, कहे आप भले फर्क न माने हम तो फर्क मानते। तो ये जो छांट छांट बांट बांट करके उपासना करने वाले हैं, इसीलिए साहब ने फटकारा कि एक तालाब भाई ने दुई जगदीश कहाँ ते आया, कौ कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशो हरि हजरत नाम धराया, गाना एक कनकते गाना या में भाव न दूजा, कान सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहा वे एक जिमी पर रहिए, वेद किते पढ़े वे कुतबा वे मुलना वे पाणे, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाणे, गाय कबीर ये दोनों भूले राम किनो न पाया, ये खसी वे गाय कटामे बादे जन्म गंवाया। हिंदू लोग देवता के स्थान पर बकरा काटते हैं और मुसलमान लोग ईश्वर के नाम पर गाय काटते, दोनों नहीं समझते, साफ कह देने वाला कवि। दो परमात्मा कहाँ से आ गए, अल्लाह राम करीम केशो, अरे पानी पियो जल पियो एक ही बात है, वाटर पियो नीर पियो आप पियो एक ही बात है, ये राम रहीम शब्द है, तत्व में अंतर नहीं।
पंडित देखो हृदय विचारी को पुरुषा को नारी सास समाना घट घट बोले वाकी चरतनुपा वाको नाम कह कह लीजिए ना वाक्य वर्ण न रूपा तय मैं क्या करसी नरभौरे क्या मेरा क्या तेरा राम खुदाय शक्ति शिव एक कह दो काय नहीं हो रहा वेद पुराण के देव पुराना नाना भांति बखाना हिंदू तुर्क जैनी हो जोगी ये कलकाहु न जाना वेद पुराण किताब कुरान नाना प्रकार से कहते हैं न कि वस्तु नाना प्रकार है तर्जे इबादत में फर्क है मूल में फर्क नहीं है इसलिए अनेकता में एकता के सूत्र को हमें पहचानना होगा शुद्ध धर्म को समझना होगा मानवता शुद्ध धर्म है और मानवता यही है अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील इतना निवेदन आप मानो कि किसी से जात पूछना छोड़ दो हाँ विवाह शादी करना हो लड़की लड़का का और अगर आप अंतर जाति शादी नहीं मानते हो तो पूछ लो अंतर जाति शादी मानते हो तो उसमें पूछने की जरूरत नहीं और अगर मानते हो नहीं तो पूछ लो मेरा इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं ये आपका काम है एक लड़के ने मुझसे पूछा पत्र देकर आप अंतरजातीय शादी मानते हैं कि नहीं तो मैंने उसको उत्तर दिया कि मैं शादी ही नहीं मानता शादी न मानने वाले व्यक्ति से ये पूछने की क्या जरूरत है आप लोग जाने अगर आप अंतरजातीय शादी करते हैं तो न पूछिए नहीं करते तो पूछ लीजिए अगर आपके दो बच्चे हैं तो जीवन में दो बार पूछना पड़ेगा बस और रोज रोज पूछ रहे हैं किस कास्ट के हो इज्जत किसी लेते हो आप कितनी हिंसा करते हो आप ये पूछ करके किस कास्ट के आप हो झूठा अहंकार एक को हम तिवारी हैं बस मार अहंकार के भरा है और एक बेचारा मेहतर है तो छिपाता है कौन हो भैया अब वो बताना आप कैसे बतावे वो बेचारा छिपाता है और एक मुझ पर ताव दिए पहले कहता महाराज मैं ब्राह्मण हूँ न बिना पूछे हूँ कहता मैं ब्राह्मण हूँ ये मिथ्या अहंकार और मिथ्याहीन भावना दोनों पाप है इस समाज से निकलना चाहिए दहेज प्रथा महापाप है इसका विरोध आप स्वयं दहेज न मांग करके कीजिए किसी लड़की वालों से आप दहेज न मांगिए खुशी से वो देता है कोई बात नहीं लेकिन आप मांगिए ना जोर न डालिए कहिए ना इशारा न कीजिए बल्कि हल्के फुल्के में शादी कीजिए जितने अपराध और पाप समाज में हैं जब स्वयं त्याग करेंगे तो वो सुधरेगा खाली उपदेश देने से नहीं सुधरेगा तो इन सब बातों पर ध्यान दें और आचरण में लाएं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।